वेलकम टू एसएससी मेडिज एसएससी सीजल 2017 कोर्ट केस रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी को बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसएससी सीजल 2017 कोर्ट केस की हियरिंग थी और कोर्ट ने अपने आप में बहुत बड़ा फैसला दिया है और जो ये फैसला है ये स्टूडेंट्स के हक में आया है। कोर्ट के इस फैसले से गवर्नमेंट की खटिया तो खड़ी हो चुकी है और साथ साथ एसएससी की भी वाट लग गई है, जिससे जो ताकतें थी, जो बाहरी ताकतें थी, जो इस पूरे के पूरे स्कैम को दबाने की कोशिश कर रही थी या मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी या कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, अब उस पर लगाम लग जाएगी। क्योंकि जो दो बड़े, एक तो नॉर्मल सा फैसला, जो दूसरा फैसला है उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और ये जो पूरा स्कैम है अब बिल्कुल भी दबने वाला नहीं है। मैं पहले से ही बोल रहा था कि ये पूरा का पूरा स्कैम, ये जो पूरा एग्जामिनेशन है, ये पूरा का पूरा सामने आएगा, इसका भंडाफोड़ होगा और एग्जामिनेशन कैंसिल होगी, क्योंकि वही पूर्ण न्याय है। और आज 100% दावे के साथ बोलता हूँ कि ये एग्जामिनेशन सीजल 2017 और CHSL 2017 दोनों कैंसिल होगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरी अपडेट में देने वाला हूँ एक्चुअली क्या अपडेट है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके पहले छोटी सी अपडेट, अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि TCS किस तरह से मैथ्स का लेवल बढ़ा रहा है, तो इसी के तहत सबसे बेस्ट कोर्स अभिनय शर्मा सर के द्वारा अन अकेडमी पर स्टार्ट हो चुका है, मेंस को टारगेट करके CGL, और जो आपको NTPC के एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। 1 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो लेक्चर हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी और 4 सितंबर तक कोर्स चलेगा, 2 महीने का कोर्स है। इसके अलावा 1500 का एडवांस मैथ्स का कोर्स है। इसके अलावा 40+ एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, जो SSC के साथ साथ RRB NTPC के एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगा। और सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 2 साल की होगी, मतलब 2 साल तक आप कभी भी दे सकते हैं। आपको कोई टेस्ट सीरीज परचेस करने की कोई जरूरत नहीं, सारी टेस्ट सीरीज आपको CGL और रेलवे की सब फ्री में मिलेगी, PDF भी आपको मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगी। आपको करना क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट के साथ 1 मंथ वाला 900 रुपये में पड़ेगा और 3 मंथ वाला 2250 पड़ेगा। आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, नीचे प्लस वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे से ऊपर से SSC एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करके इन चारों में से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर SSC मेड रेफरल कोड यूज करने पर 10% डिस्काउंट के साथ सबसे बेस्ट प्लान रहेगा आपके लिए 3 मंथ वाला, जो आपको 2250 में पड़ेगा। अगर आपके पास क्रेडिट भी है तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपको 2000 के आसपास करीब ये आपको पूरा कोर्स मिलेगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कोई, और जिन लोग को ज़रूरत है उनके लिए। अब अगर आज के अपडेट की बात करें तो कोर्ट ने 2 बड़े फैसले दिए हैं। एक तो मैंने जो कल ही आपको बताया था कि जो कमेटी के पास चाय पानी के खर्चे नहीं है, मतलब अगर मीटिंग होती है तो उनको कुछ खर्च लगता है, जो कमेटी के मेम्बर्स हैं उनके रहने ठहरने खाने का ट्रैवलिंग का जो भी खर्च आएगा वो कौन उठाएगा, तो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया, जैसा कि मैंने कल ही आपको कहा था कि गवर्नमेंट ये जो खर्च है ये गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिले करा रही है, गवर्नमेंट ने ही सही समय पर एक्शन नहीं लिया, इसी कारण से 1 साल से ज़्यादा समय से कोर्ट पूरा का पूरा मामला कोर्ट में अटका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार गवर्नमेंट विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द कमेटी, पूरा कमेटी का जो भी खर्च होगा, चाहे वो हज़ारों में आए, लाखों में आए, करोड़ों में आए, वो गवर्नमेंट ही उठाएगी, ना कि प्रशांत भूषण सर और ना ही कोई और उठाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात कही है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी की अध्यक्षता की गई है, उसके जो जजेस हैं, जिस जज की निगरानी में अध्यक्षता की गई थी, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या जो CBI स्टेटस रिपोर्ट है वो सभी कमेटी के मेंबर्स को दी जानी चाहिए या सिर्फ उसको जजेस ही, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ऐसे बोबडे जी खाली वही देख सकेंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अकॉर्डिंग स्टेटस रिपोर्ट कैन बी शेयर्ड विथ द अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी, मतलब कमेटी के सभी मेंबर्स के द्वारा साथ स्टेटस रिपोर्ट को शेयर किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैसला है, क्योंकि इसके पहले का जो फैसला था उसमें CBI ये कह रही थी कि जो CBI की स्टेटस रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जजेस ही देख सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं देख सकता। CBI इस बात पर जोर दे रही थी। इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल जी हैं उन्होंने भी यही बात कह रहे थे कि हम जो CBI की स्टेटस रिपोर्ट क्या है वो हम किसी को भी नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ उसको जजेस दे सकते हैं। लेकिन आज कोर्ट ने जो जजेस की बात, जो CBI प्लस जो सॉलिसिटर जनरल थी की बातें थी उनको सीधा नकारते हुए जो CBI स्टेटस रिपोर्ट है कमेटी के सभी मेंबर्स के साथ शेयर की जाएगी। अब कमेटी के सभी मेंबर्स में आपको पता है कि एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ नाम प्रशांत भूषण सर की तरफ से भी दिए गए थे, कुछ नाम सॉलिसिटर जनरल की तरफ
तरफ से दिए गए थे, मतलब कि एक बहुत ही अच्छी कमेटी, मतलब जहां दोनों तरफ का पल्ला भारी, दोनों तरफ के लोग हैं। अब पहले प्रॉब्लम क्या थी, अगर कमेटी, अगर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट कमेटी के मेंबर्स को नहीं दी जाती तो हमें पता भी नहीं चलता कि कमेटी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्या है। और जैसा कि सॉलिसिटर जनरल और गवर्नमेंट दावा कर रही थी कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट में चीटिंग नहीं हुई है और इसके अलावा सारे चीटर्स पकड़े जा सकते हैं, तो वो दावा हो सकता है कि अगर सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती तो मामले को रफा दफा कर दिया जाता। लेकिन अब सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी तो हमें पता चलेगा कि किस लेवल पर चीटिंग हुई है। अगर गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम चीटर्स को पकड़ सकते हैं तो वहाँ पर यह भी मुद्दा उठेगा कि क्या प्रोसेस है जिसके आधार पर आप चीटर्स को पकड़ सकते हैं, क्या वो कोई साइंटिफिक मेथड है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके वो पॉसिबल है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको पता है कमेटी के बीच में मतभेद होगा और ऐसे समय में डिसीजन जो है जो पूरा का पूरा नेगेटिव जाएगा और कैंसिल ही होगा एग्जामिनेशन, और ये 100% एग्जामिनेशन कैंसिल होना है। आप री एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगे रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में समय ना मिले। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।